राम राम दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं सूजी का केक बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने एक ही बर्तन लिया है, एक कटोरी दही लिया है। ये दही मैं इसमें डाल लूँगी और इसको इस रई की सहायता से अच्छे से इसकी गुठलियाँ फोड़ लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अभी एक क्रीम जैसा बन गया। अभी मैं इसमें पिसी हुई एक कटोरी चीनी डालूंगी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जल्दी ही घुल जाएगी। इसमें चीनी ये मेरी बिल्कुल बारीक पिसी हुई है। अभी अच्छे से मिक्स हो गया। अभी मैं इसमें 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालूंगी। और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसमें आप ये रिफाइंड या बटर ज़रूर डालें, इसी से बढ़िया सॉफ्ट केक बनेगा। अभी इसको मैं 5 मिनट रेस्ट के लिए रखूँगी। मैंने 2 कप सूजी ली है, ये मोटी सूजी थी। मैंने इसको थोड़ा सा मिक्सी में पीस लिया है। अभी 5 मिनट हो गए हैं। इसमें मैं थोड़ी थोड़ी करके सूजी डालूंगी और साथ साथ मिलाते रहेंगे। सूजी मैंने अच्छे से मिक्स कर ली। यह बैटर थोड़ा गाढ़ा है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध मिलाऊंगी और साथ में धीरे धीरे चलाते हुए मिला लूंगी इसको। बैटर को थोड़ा हमें पतला करना है। ये मैंने 2 कप सूजी लिया था। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी चम्मच में डाल के देख लें, ऐसा सा घोल होना चाहिए, गिरता रहना चाहिए बराबर। अभी हम इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है, अब हम इसको देखते हैं मिला के। अभी ये गाढ़ा हो चुका है, थोड़ा सा फूल गया है रखने से। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और साथ साथ अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अभी मैंने इसको ऐसा बैटर बना लिया है। आराम से चम्मच में लगातार गिरना चाहिए, ना पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो। मैं थोड़ा है इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूँ, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। आपके पास पाउडर नहीं है तो आप 4-5 इलायची को कूट के डाल सकते हो। चलते हैं गैस की तरफ। गैस मैंने ऑन कर लिया है। इसमें मैंने कढ़ाई रख दी। इस कढ़ाई में मैंने नमक डाल लिया है और गैस को ऑन कर लिया। अभी मैंने एक केक टिन लिया है, इसके ऊपर मैं ऑयल लगा लूँगी। अब मैं इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, आधी से भी कम चम्मच है बेकिंग सोडा, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अभी इस टिन में मैंने अच्छे से ऑयल लगा लिया। अभी इस बैटर को इसके अंदर डाल देंगे। अभी नमक गर्म हो चुका है। अभी मैं इसमें ये स्टैंड रख दूंगी। आपके पास ये स्टैंड ना हो तो आप नीचे कोई छोटी पतीली या कटोरी बड़ी रख सकते हो। अभी इसके ऊपर मैं ये टिन रख लूंगी केक वाली। अभी मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा दूंगी। अभी मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढक के ऐसे ही पकाऊंगी और गैस को मीडियम रखूंगी। बीच बीच में हम इसको चेक करते रहेंगे। गैस को मैंने बंद कर दिया है। मेरा एक केक बन चुका है। आप इसको चेक करने के लिए एक चाकू की सहायता से इसके अंदर ऐसा डाल के देख लें। इसके चिपकना नहीं चाहिए चाकू के बिल्कुल ही। अभी ये तैयार है बिल्कुल। अभी हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फिर बाहर निकाल लेंगे। अभी ये ठंडा हो चुका है। पकने के बाद आप देख सकते हो साइडों से जैसे हमने ऑयल लगाया था तो इसने ये जगह छोड़ रखी है। फिर भी हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे चाकू डाल के देख लेंगे अच्छे से। और अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। केक मैंने प्लेट में निकाल लिया, ये आसानी से निकल गया था, अच्छे से पका हुआ है। अब मैं इसको इस चॉकलेट सिरप से सजा लूँगी।
मैंने केक को सजा लिया है। कुछ मैंने जेम्स लगाई हैं और ये मैंने मंच लगाई है इस पे। आप कोई भी चॉकलेट से सजा सकते हो या आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो। अगर फिर भी कुछ भी ना डालना चाहें तो भी ये बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सूजी का है, बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।